अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करें बेसिकली बिज़नेस मॉडल के ऊपर। B2B, B2C या C2C, इन बिज़नेस मॉडल के बारे में आपको पता ही होगा या आपने नाम सुना ही होगा। इनके ऊपर आप डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं B2B क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। एक ट्रांजेक्शन जो एक लेन देन होता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, वो एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के हवाले से हो रहा हो या दो बिज़नेस के दरमियान हो रहा हो, तो उसको कहते हैं B2B। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अली बाबा से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, जो कि अली बाबा होल सेल में काम करता है, तो उससे कोई भी आप चीज़ लेते हैं बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस टू बिज़नेस की ट्रांजेक्शन होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस का लेन देन होता है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है B2C। B2C का मतलब होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर। इसकी ऐसी एग्जांपल है कि आप दराज से कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर आप शूज़ लें या कोई भी चीज़ लें, तो आप डिफरेंट बिज़नेस से डायरेक्टली कंज्यूमर को वो चीज़ मिल रही होती है, तो बिज़नेस टू कंज्यूमर होती है। द थर्ड चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है C2C। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर डायरेक्टली होती है। इसके लिए बस एग्जांपल ये है कि आपने ईबे का नाम सुना ही होगा, जो कि एक यूके की बहुत बड़ी ऑक्शन साइट है। वहाँ पर डिफरेंट कस्टमर ने अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो ऑक्शन के लिए लगाई होती हैं। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की आपस में लेन देन होता है वो कस्टमर टू कस्टमर होता है, C2C डायरेक्टली होता है। वो कस्टमर ने अपनी प्रोडक्ट लगाई होती हैं और जो कस्टमर होते हैं आगे से उसको परचेज कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों बिज़नेस मॉडल के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।